लिए कार्यक्रम में जा रहे हैं। उसके बाद आपको बताने से पहले अमित शाह के विरोध में दलित समाज के लोगों ने कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन रोककर विरोध दर्ज कराया है। अमित शाह के कानपुर दौरे का आपको बताने लोगों ने विरोध किया है। लोगों ने भाजपाइयों की जो बस से भरी है वो बस उसको रोक लिया है, भरी बस को रोका है, उनको साफ तौर पर नारेबाजी करके रोकने की कोशिश की। आपको बता दें कि धम्मयात्रा जो कार्यक्रम चल रहा है उसके समापन अवसर पे उस आज कार्यक्रम के दौरान अमित शाह लखनऊ पहुंचने के बाद कानपुर पहुंचेंगे। वहां उनका जो विरोध प्रदर्शन का दौर है वो शुरू हो चुका है और कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन को रोका गया है। विरोध प्रदर्शन फिलहाल किया जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता बुध गुप्ता से। बुध, किस तरह का प्रदर्शन चल रहा है वहाँ? हेलो जी बुध जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से अमित शाह के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है वहाँ? जी ये यहाँ पर दलित समाज के कुछ लोगों ने इसलिए प्रदर्शन किया क्योंकि अमित अभी तक भारतीय जनता पार्टी जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है उसमें अचानक पड़ा है। इसको लेकर अभी नरेंद्र मोदी दशहरे में एक वहां पर जो रामलीला में जाकर रावण को जला था उस दौरान बोला था बुद्ध से युद्ध की ओर, उस बात को लेके आज फिर से बुध एक बार फिर से हम आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तकनीकी खामी की वजह से आपकी जो आवाज है हमारे तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है। उससे पहले दर्शकों को हम बता देते हैं कि अमित शाह के कानपुर दौरे का लोगों ने जमकर विरोध किया है। गुस्साए लोगों ने अमित शाह के होर्डिंग्स तक फाड़ दिए हैं। दलित समाज के लोगों ने अमित शाह का विरोध किया है। गुस्साए लोगों ने आपको बता दें कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन को रोका है। यही नहीं, लोगों ने भाजपाइयों से भरी बस को रोककर नारेबाजी की है। फिलहाल गुस्से में यहाँ पर दलित समुदाय के लोग कानपुर में हैं जिसके चलते प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज कार्यक्रम के दौरान साफ तौर पर अमित शाह पहुंचने वाले हैं लखनऊ और लखनऊ के बाद कानपुर और उसके बाद वहां पर प्रदर्शन का जो दौर है वो चल रहा है। तो आज समापन कार्यक्रम है। एक बार फिर से संपर्क साधा हमारे संवाददाता बुध गुप्ता से। बुध, प्रदर्शन चल रहा है फिलहाल, आपसे अपडेट चाहेंगे किस तरह का प्रदर्शन है, क्या कुछ कहना है इन प्रदर्शनकारियों का? ये आज दलित समाज के लोगों ने अचानक इस बात को लेकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। इनका साफ तौर पर कहना जो बसपा की जो मानसिकता है उससे तो ठीक है, तो आज भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर अपना दलित प्रेम फलका रही है उसको लेके लोगों ने विरोध किया है। आज ये सड़क पर आ गए और कालिंदी एक्सप्रेस की 100 से ज्यादा की स्पीड में थी उसकी आगे आ गए। जैसे ही ट्रेन आई उसने हटना पड़ा इन लोगों को, क्योंकि अगर ट्रेन अगर इसी स्पीड पे आ जाती है तो कईयों इससे भर जाते, एक बड़ा हादसा हो जाता। एक तो हादसा चला, इसका विरोध दर्ज कराने कई तरीकों का, मगर इस तरह का अचानक विरोध दर्ज कराना एक बड़ा हादसे को दावत देना था। बिल्कुल बुध, आज कार्यक्रम का समापन है, काफी कह सकते हैं काफी कार्यक्रम चल रहा था, अचानक ऐसा क्या हुआ, कैसे याद आ गई तमाम प्रदर्शनकारियों को कि जो बीजेपी करी वो ठीक नहीं है? इससे पहले क्या उनकी आंखें नहीं खुली थी? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये इनको विरोध करना है अचानक इसलिए याद आए क्योंकि ये अमित शाह का प्रोग्राम अचानक इनको कल लोगों को पता चला। दलित समाज के ये लोग हैं, इन लोगों ने पहले से प्लान कर रखा था कि जब ये अमित शाह आएंगे उस दिन हम लोग विरोध दर्ज कराएंगे। तो यहाँ पर ना आके उन लोगों ने ट्रैक रोकने का काम किया है जिससे कि किसी को रोके जाने की मंशा थी ट्रेन रोके जाने विरोध दर्ज कराने की, उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी के सामने इस कारण से ट्रेन रोके जाने का। चलिए बहुत शुक्रिया बुध तमाम जानकारी देने के लिए।